यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल सरकार ने दूरदराज के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 3 स्पेशलिस्ट शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें बाल चिकित्सा और स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं शामिल है। ट्रायल बेस पर यह सुविधा 5 सब सेंटर्स में आरंभ की जा रही है, जिसे बाद में 50 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध करवाया जाएगा। डिस्पेंसरी में पहुंचने वाले मरीजों की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। स्वास्थ्य उपकेंद्रों में संस्था इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगी और एक अपना स्वास्थ्य प्रतिनिधि तैनात करेगी। स्त्री रोग से जुड़ी महिला गायनेकोलॉजिस्ट और हर प्रकार की बीमारियों के उपचार करवा सकती है। बच्चों के हर प्रकार की बीमारियों का उपचार बताने के लिए पीडियाट्रिशियन और उपलब्ध रहेंगे। अन्य चिकित्सा संबंधी उपचार के लिए मेडिसिन एक्सपर्ट अपनी सेवाएं देंगे। 3 एक्सपर्ट चिकित्सकों को ये दल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगा और इसके बाद ये सेवाएं 50 स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर उपलब्ध होंगी। इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीमें भी बढ़ाई जाने का प्रावधान है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि डिस्पेंसरी में पहुंचने वाले मरीज टीवी स्क्रीन पर एक्सपर्ट चिकित्सक के सामने अपनी बीमारी बताएंगे। चिकित्सक के सुझाव पर डिस्पेंसरी में तैनात स्वास्थ्य प्रतिनिधि मरीज के सभी प्रकार के टेस्ट करेगा। इसकी रिपोर्ट का अध्ययन ऑनलाइन प्रक्रिया से चिकित्सकों का पैनल आसानी से कर सकेगा। इस आधार पर मरीजों को दवाइयां लिखी जाएंगी।